अस्सलाम वालेकुम। बाबिल में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और जो है वो अपनी अच्छी सेहत को इंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की जॉब्स की, जो कि इस्लामाबाद में हेड ऑफिस है वहाँ के लिए हैं और बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 411 के करीब जो है वो टोटल वैकेंसीज़ हैं और अकाउंट्स से रिलेटेड लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसका ऐड आप देख सकते हैं और जो है वो अखबार पे एक्सप्रेस की जो अखबार है उस पर भी इसका ऐड देखा जा सकता है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहां से ऐड चेक कर सकते हैं। इसकी डिटेल क्या है और किस वैकेंसी की जो है वो कितनी तादाद है सीटों की, उसकी डिटेल जो है आपके साथ शेयर कर देते हैं। आखिरी डेट जो है वो अप्लाई करने की 4 नवंबर है और एज की जो लिमिट है वो मैक्सिमम 40 ईयर्स है, यानी कि 20 से लेकर 40 साल के दरमियान के लोग जो है वो इस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। जॉब पे अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म को कैसे फिल करना है, प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारा लोगों के इतराज़ थे कि जो है वो वीडियो लंबी हो जाती है और जो है वो वीडियो को मुख्तसर बनाया करें, तो आपको वो उसके हवाले से जो है वो कैसे अप्लाई करना है वो स्क्रीन पे मैं लेके नहीं जाऊँगा। फिर जॉब सिर्फ जॉब की डिटेल बताऊँगा कि कौन सी कितनी वैकेंसीज हैं, तो इसलिए सिर्फ जो है वो सिंपल सी वीडियो है, मुख्तसर सी वीडियो है, आप जो है वो उसको कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके। जो है वो आप इसको डिफरेंट तरीक़ों से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो क्वालिफिकेशन है वो प्राइमरी से बैचलर है, ठीक है। और जो जॉब्स हैं उनकी डिटेल जो है वो वर्कर्स की जॉब हैं जिसका स्केल 1 है, 1 से लेके 14 स्केल तक की मुख्तलिफ जो है कैटेगरीज हैं। सैनिटरी वर्कर है, माली है, चौकीदार है, स्वीपर है, ड्राइवर है, नैब कसद है, टेलीफोन ऑपरेटर है और LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क और UDC अपर डिवीजन क्लर्क की जॉब है, जूनियर ऑडिटर है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है और स्टेनोग्राफिस्ट है। स्टेनोग्राफिस्ट की अगर जॉब आ गई तो इसके हवाले से आपको ठीक कर सकती हूँ। जो लोग जॉब्स के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और इनको गाइडेंस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, उनके लिए मेरा ये मशवरा है कि वो जब मैट्रिक कर लें या इंटर के बाद जो है वो स्टेनोग्राफिस्ट की वो जो है वो कोर्स कर लें, उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें और जैसे ही उनकी ग्रेजुएशन होगी उनकी स्टेनो की तैयारी भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो स्टेनो की जॉब जो है वो हर डिपार्टमेंट में लिए में काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है और वहाँ पे मिसाल के तौर पे अगर कहें कि अगर पंजाब में 100 स्टेनोग्राफर्स चाहिए होता है तो वहाँ पे अप्लाई करने वाले लोगों की तादाद कम होती है और जो है वो जॉब्स की वैकेंसी जो है वो ज़्यादा होती है। तो अगर आपकी अच्छी ग्रिप है अपनी जो है वो फील्ड में तो आप स्टेनोग्राफर्स की जॉब्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो सिलेक्ट हो सकते हैं। ये हल्की सी डिटेल है, ठीक है। जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म का जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसके लिए जो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप एडवर्टाइजमेंट के लिए से देख सकते हैं। ये आज की मुख्तसर सी वीडियो थी, जहाँ ये खुश रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।